सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर। किताब और सुन्नत हमारी जिंदगी का मरहर है और यही हमारी कामयाबी का जामिन है, लेकिन शर्त यह है कि इस पर अमल का आगाज कर दे और अपनी जिंदगी में तब्दीली लाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी है, खातिमुल नबी भी है, अफजल अंबिया भी है, और तमाम अंबिया में अल्लाह ताला ने अजमत वाले नबी बनाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रवाना किया। और जो किताब मुकद्दस, जो किताब हिदायत अल्लाह का कलाम अपनी उम्मत तक सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, वो कुरान मजीद जो किताब की अजमत वाली है। नबी अजमत वाले, किताब अजमत वाली, और सत्य में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुसलमान भी अजमत वाले हैं। अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तमाम उम्मतों पर फैसियत और फजीलत अता कर दी कि किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने वो मुकाम से सरफराज नहीं किया जो मुसलमानों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के हिस्से से अता किया। ये एजाज सागर किसी नबी की उम्मत को नहीं मिली जो मुसलमानों को उम्मत मोहम्मदिया को यह हासिल हुई। ये सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अंबिया की दुआएं हैं, कुरान पाक में भी कई वाकयात हैं कि उन्होंने उम्मत मोहम्मदिया का जो फजीलत वाला मकाम बना बताया गया, यानी जो वर्ष करो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे, रास्ते में खूबसूरत चट्टान को नजर आती है, एक खूबसूरत पहाड़ जो इंतहाई दिलकश था, सफेद और शफाफ चमकदार। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ को देखते हुए ठहर गए और दिल में सोचने लगे कि इतना खूबसूरत पहाड़ है, ये कुदरत का एक मुजाहिरा है, हमें इसके ऊपर से नजर हटाने को तबीयत नहीं चलता। बस उस पहाड़ को ढूंढते रहे, आसमान से आवाज आई कि मूसा तुम पहाड़ की खूबसूरती को देखकर हैरान है, हम तुमको बताते हैं कि इस पहाड़ के अंदर क्या है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, पहाड़ शक हुआ, दो टुकड़े हुआ, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और अचंभे में पड़ गए, देखते क्या है कि उस पहाड़ के अंदर एक खजूर का झाड़ है और एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, एक शख्स नमाज पढ़ रहा है। आप हैरत में उस शख्स के करीब जाते हैं, जब वो नमाज से फारिग होता है तो हजरत ईसा पूछते हैं कि बस साहब यह अमल यह इबादत ये क्या मांग रहा है। तो वो शख्स कहता है कि क्या बताओ ईसा, ये खजूर मेरी रिजा है, ये खजूर मेरी हिजा है, ये खजूर खाता हूँ और अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कब से ये सिलसिला है। तो वो शख्स कहने लगा, 400 साल से इस पहाड़ में, इस चट्टान में अल्लाह की रियाजत और इबादत करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े मशरूर हुए, खुश हुए, आसमान की तरफ नजर उठाकर कहने लगे कि ये परवरदिगार इस रोए जमीन पर इससे बढ़कर एक मुत्तकी नमाजी बंदा तेरा कोई नहीं हो सकता कि चट्टान के अंदर खजूर अपने विदा बनाते हुए 400 साल से तेरी इबादत और रियाजत कर रहा है, ये बड़ा मुत्तकी और नेक बंदा है तेरा। तो अल्लाह ताला ने आवाज मांग के मुझसे है ऐसा तुमको नहीं मालूम, मेरा जो हबीब होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका एक उम्मती 14 शाबान सन बरात के मौके पर मगरिब के बाद तो रौजा नफिल पड़ता है, तो ये 400 साल इबादतों के बराबर अजर सवाब उसको अता करूंगा, ये 400 साल नमाजों का अजर सवाब मैं मेरे हबीब के एक उम्मती को जो सिर्फ 2 रकात नफिल पड़ेगा 14 शाबान मगरिब के बाद, तो मैं ये 400 साल इबादतों के ममासिल उसको अजर सवाब से सरफराज करूंगा। तो हजरत ईसा ने सलाम चीख मार कर कहने लगे कि परवरदिगार मुझको भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये मुकाम अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अता किया। किसी नबी की उम्मत को यह फजीलत, यह सआदत और शर्फ हासिल नहीं हुई जो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को यानी मुसलमानों को अल्लाह ने अता की।
किताब रहमत वाली, रसूल रहमत वाले, उनकी उम्मत रहमत वाली। इसीलिए कहा गया फर्श वाले तेरी शौकत का वो क्या जाने, खुश रहा पर उठता है फरेरा तेरा, खुश रहा अर्श पर उठता है फरेरा तेरा। अजमत रसूल हमसे क्या बयान हो सकती है, सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत कोई बयान करने से कासे हुए। अरे परवरदिगार आलम ने अंत कलाम रब्बानी में कह दिया कि हबी हबी ने आपका जिक्र को बुलंद कर दिया, आपका जिक्र को बुलंद कर दिया, वो रब्बाना लगा दिया। कहने के बाद हम क्या कह सकते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उसवे हसना का एक एक पहलू हमारे सामने है। हर पहलू पर हमको तालीम और दर्श करती है कि हमारा उसका अमल करने से हमारी जिंदगी क्या समझ जाए और आखिरत भी बेहतर हो जाए। जमीन पर किसी रियासत में किसी शहर में मुसलमानों का नुमाइंदा करनी, इस तरीके की आप पर काम करने वाली आपको नजर नहीं आएगी। हम हुकूमत से अटक कर लेते हैं, हुकूमत से लड़ते हैं, मसाइल पर उतरवाते हैं कि अपने तौर पर भी कोई कर रहा है, हमारे तालीम इदारे हैं। आपने वोट देते वक्त ही नहीं कहा था कि तुम काले कायम करो हम वोट देंगे, न हम आपको वादा करें क्या क्या वोट जो हम दवा खाने बनाएंगे। अल्लाह ने ताकत दी नमाज को और अहराम को भी आई तो हम काम करते चले गए और आपका इत्तेहाद हम पर बढ़ता गया, हमारी कामयाबी भी बढ़ी गई, आपका इत्तेहाद भी बढ़ता गया। जालिमों से बदला कर जालिमों से मुकाबला करने की सलाहियत साथ मजलिस के आजाद नहीं से उससे में पहले से मौजूद है। हम थोड़े से रिजल्ट पर परेशान नहीं होते तो पंद्रह किलो को हमारा पकड़ रहा है और आपके रहते के नाम यही चंचल हुआ कि हमने 11 महीने नहीं होते 11 महीने और कैसा मेरा मन थे 4x4 का एक छोटा कमरा था, 24 घंटे में 23 घंटे उस कमरे में उनको अकेले रहना, खाना उसमें, नमाज पढ़ना उसमें, जरूरत से पागो होना उसमें, 4 से 5 बजे 1 घंटे के लिए दरवाजा खोल के बाहर टहलने के लिए उनको मौका दिया जाता था। 11 महीने में इसको कहते हैं, 11 महीने का कुशल थे, क्या था उनका जुर्म, जुर्म यही था हुकूमत का कि आदि के मजलिस का नाम बदले और मजलिस को सियासी अमल का बनाए। पत्र मिलो मिलो के आगे आगे लिखे 11 महीने के बाद उनको रिहा किया गया। तलहा और तकदीर जेल के मुद्दों पर बर्दाश्त करते रहे, अल्लाह की नमाज अल्लाह की याद करते रहे, इबादतों में मशगूल रहे, लेकिन उनके पाए पाए नामत में कभी कमजोरी नहीं आई, ना पाए पाए नामत में कभी कमी आई। यकीन है वही घर का काम वादा आज हमें कमी लग रहा है, उसको नहीं सुनी आज नमाज जेल में तरह तकदीर है, नमाज पढ़ता है कुरान पढ़ते हैं, तिलावत कुरानी होती है, पक्षी वही नजर के मजामिन पढ़ते हैं और तन्हा एक ही हाल है अकबर को ऐसे जेल की सोबती बर्दाश्त कर रही है। क्या जुर्म है अकबर ऐसे का, क्या जुर्म है अकबर ऐसे का, जुर्म यही है कि हुकूमत से काम नमाज खत्म होने के बाद उनके नामी घंटे के तौर पर अकबर ऐसे को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। हम कोई उम्मीदवार की आई ने कहा रहा हम कोई उम्मीदवार की अल्लाह के लिए वो आत्मा नहीं डुबाई और इंशाअल्लाह
अल्लाह की हिम्मत पर ऐसे ही जाकर वो कामयाब होंगे, वो कामयाब होंगे। छोटे नहीं अरे हमारे राजदों की बदौलत, हमारे औरों की बदौलत उनको इख्तियार मिला, मुसलमानों की बदौलत इख्तियार मिला और मुसलमानों को गद्दारी का इल्जाम लगाकर जेल में डालते हैं। यही तुम्हारा इंसाफ है हिंदुस्तान में? इस सरजमीन को हम अपनी रखते हैं, ये सरजमीन महबूब है मालूम के लिए, हमारे लिए हम इस सरजमीन से मोहब्बत करते हैं। लेकिन आज अकबर अवैसी को 121 लगाकर उनके हथियारों का सेक्शन लगाकर डाल दिया गया। ये कांग्रेस की हुकूमत ये समझती है कि ये जेल की जरूरतों से ऐसे सेक्शनों से डर के मलिक को क्या जरूरत नहीं, खामोश हो जाएगी। याद रखो इसका मुकाबला किया जाएगा और तुमको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अल्लाह की अदालत हम तो बड़ी अदालत है, उस अदालत में मुसलमानों का अल्लाह उम्मत के साथ इंसाफ होगा। यकीन हबीब मिले घर पर आएगी पूरी दुनिया में हम ऐसे काम रखते हैं। आज अल्लाह से हमारे लोग फोन करते हैं, उत्तर झारखंड से फोन करते हैं, कलकत्ता से फोन करते हैं, पूछते हैं कि आपका तबीयत कैसी है, इंजीनियर है, गवर्नर है, देश बंदो है,
वो कहता है कि मैं हंसते से अकबर की तकदीर देखता हूँ। इस उम्र में उम्र में किसी तकदीर करने वाला मुझे कोई नजर नहीं आता। ये खड़े नहीं होते जो अकबर की तकदीर में खड़े हो जाते हैं। अगर कोई रोड का मसला हम खड़े लेके बोलते हैं तो रोड का मसला दरिया से आता है, दरिया के मिनिस्टर साहब जवाब देते हैं। लही का मसला है तो दरिया में जवाब देते हैं। एक्साइज का मसला है तो एक्साइज मिनिस्टर जवाब देते हैं। मुख्तलिफ तकदीर रही है लेकिन अकबर ओवैसी उठ के जब खड़े लेके बोलना शुरू करते हैं तो पूरे मिनिस्टर का परेशान हो जाते हैं। आखिर में चीफ मिनिस्टर उठ के जवाब देना पड़ता है। यह अकबर ओवैसी का ख्याल है कि कोई मिनिस्टर जवाब नहीं दे सकते, लाजवाब जवाब नहीं देते हैं और हमेशा चीफ मिनिस्टर को उठ के जवाब देना पड़ता है। यह मुकदमे हमेशा निकल जाए। तो बहुत सारे हमारे नवीन लोग हैं जो ऐसे मिलन तकरीर से अकबर ओवैसी की तारीफ करते हुए कहते हैं पूरे 294 में सबसे ऐसा बेहतर बात करने वाले अगर कोई है वो हबीब नबी जो अकबर उद्दीन अवैसी है, जो हमेशा कोई कोई बात करते हैं। मसला जब आता है तो मसलों पे स्टडी करके बात करते हैं क्योंकि वहां पर अगर कोई बात गलत साबित हो जाए पूरी हैवान में तहरीर हो जाती है। इसलिए जो बात करते हैं दर्जे की चोट करते हैं वो लोग करते स्वास्थ्य है कि अकबर ओवैसी किसी के दबाव में आने वाले नौजवान का नाम नहीं है। जिसको अपने भाई बहनों को हमने सिखाया था आज वही हाल है कि कभी भी किसी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर से डरे हुए उनकी आंखों में आगे डाल के बात करते हैं और कहते हैं कि तू कितना प्रमुख है और तू अपना ग्राम राष्ट्र का निवादा होता है। ये हमको सिर्फ फिक्र इतनी है कि सेहत ठीक नहीं है, ऐसे वक्त को गिरफ्तार करके उनकी सेहत के साथ लापरवाही बढ़ती जा रही है। आप मरीजों को अच्छे डॉक्टर में इलाज कराओ, कितने दिन अभी रखो इलाज कराओ, उसके बाद देखेंगे। मुझे अल्लाह की जान का भरोसा है अल्लाह ताला को कामयाब किया निकालेगा और हमारे दरमियान फिर आकर आपकी होंगे। हमको यकीन है झूठ को कभी कामयाबी नहीं मिली, सच्चाई को कामयाबी मिलती है। सच्चाई का रंगा होता है और यकीन सच्चाई का रंगा होकर रहेगा और मनुष्य के हाथ में उम्मीद की मजबूरी उन्हें बनाए रखा हुआ है। महाराज का अगर अकीन मिलने चाहते हैं तो वहां रोका जाता है। यहाँ पर 2000 के पास पड़े हुए हैं जलसे की इजाजत के लिए नहीं मिली इजाजत, लेकिन आप देखेंगे कि जब जलसा होगा वो 2000 का जगह 50,000 या 1,00,000 का इज्तम होगा जो नकदी मिलने की सुनने के लिए और अंग्रेजों के साथ इनकी ज्ञान के लिए औरंगाबाद के लिए हैदराबाद में राज्यों के गुड़ियों के इलाकों में मुसलमानों के अमीर लोगों को चीज बची हुई है तो वो सच्चा आज मिली रही है क्योंकि हमारे हमारे आज के हमारे मनोरों की अमानत है। बहरहाल मैं आपके मैं इतमास करूंगा कि इन जल्सों से हम अपने जीवन में थोड़ी तब्दीली लाए और रसूल के तजुर्बा की बात करें वो शो पर अमर का आवाज करें। मैं समझता हूँ कि हमारी कामयाबी इसी पे मुनसिब है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुसलमानों में हमके आगे तौबा फरमाने, मुसलमानों को हर मैदान में कामयाबी करके मुस्लिम को अदा करवाई, मुसलमानों को फतेह मुस्लिम को प्राप्त कराइए, मुसलमानों को तमाम मसाइल को उनको दीजिए तो हमारा बड़ा मुनसिब को फिर से जरूर बयान करा दीजिए और दिला रहा है वो सब के मुकदमा के बारे में नहीं करा कर दिए पर वो लगा रहा है वो सब उसे उनके कामिल आजिला करा रहा उनकी प्रकार के बारे में तो उनका उनको राहत और सुकून उनको चाहिए पर दिला रहा है जो लोग लगा रहा है उनके पास कुरान में है पर दिला रहा है जो पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते में उनके भी मकासद की तकदीर कर दीजिए उनको भी उनकी तालिबान के गुरु मोदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाइए। बोलने वाले 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 सबको उसको रोजगार पर अमल करने की तौफीक अता फरमाइए। मुसलमानों में उनके हाथ में रोजगार पर अता फरमाइए, मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाइए, मंदिर से कहा जहां से भी तू करती अता फरमाइए, मंदिर से कहा जहां से भी तू दिन दूर में विचार कर रहा है तौफीक होगी इजाजत आपकी जो आबादी को और मंदिर को मजबूत और मुसरूक फरमा दीजिए और तमाम मुसलमानों को परेशानी को सुबह मुसलमान को मंदिर जाए।